गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, पहला सत श्री अकाल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम भी बढ़िया हैं, मस्त है। बस घूम रहे हैं बीच की ओर, छुट्टी थी, बस खा पी के अभी निकले बीच की ओर। बीच का कुछ ऐसा दृश्य है कि अब जो टूरिस्ट लोग आने वाले हैं, बीच खचाखच भरा पड़ा हुआ है धीरे धीरे करके, और लगभग सब लोगों ने अपने अपने सैंड बैग लगा दिए हैं। मेरे साथ है एक ये भाई, भाई नाम क्या तेरा? ये भाई कुछ दिखा रहा, दिखाता हूँ, ये देखो देखो, देखा कभी मिनी केकड़ा? देख रहे होंगे समुंदर की जो अभी जो समुंदर में जो पानी था काफी ऊपर था, अभी धीरे धीरे करके समुंदर का पानी काफी नीचे चला गया है। और कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा इस पत्थरों तक पानी आ रहा था, अभी देख रहे हो कहाँ पत्थर है और कहाँ समुंदर की लहरें हैं, कुछ इस तरह का नजारा है। ये देखिए समुंदर का मजा लूटते हुए, ले जाए चल कहाँ हवाए कहाँ। तो गाइस गौर से देख के इस फिश को बोलते हैं स्टार फिश। तो कभी आपने सुना होगा स्टार फिश, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं स्टार फिश। जो आप ये हिलते हुए देख रहे हैं ये इसके पैर हैं, और ये इसको उल्टा करने से कुछ इस तरह से इसका दिखता है। और ये देखिए अपना जो जगह बना रहा है, कैसे कैसे धीरे धीरे करके रेती के अंदर अपना जगह बना रहा है, और धीरे धीरे करके रेती के अंदर घुस जाता है, और ये रेती के अंदर ही रहता है पानी में। और देखने में आप ठीक है, अच्छा है काफ़ी, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है स्टार फिश, जो कि काफ़ी सुंदर है। ये कुछ बॉल जैसा दिख रहा है हमें, बट ये कुछ तो जीव है, इसको हाथ लगाने से सिकुड़ जा रहा है। और कुछ आपको ये इस तरह से मिट्टी है जो यहाँ पे पहले इकट्ठा हो रही थी, इसके अंदर काफ़ी सारे अभी क्या बोलते हैं केकड़े हैं, और क्या बोलते हैं कुछ और भी टाइप के इसमें मच्छियाँ हैं, कुछ और टाइप के भी इसमें बहुत सारे वो हैं, तो कुछ का हमें नाम नहीं आता। बट इसका जो इस कौवे को देखो अपने शिकार के लिए मछली पकड़ने के लिए आ रखे हैं। तो अब कुछ इस तरह की भीड़ है बीच के सामने, तो अभी कुछ लोग अभी शाम का टाइम आ गया, तो कुछ लोग नहा के बीच में तो जा चुके हैं, तो कुछ लोग जिनका रूम वगैरह इधर ही है तो वो लोग अभी शाम तक इसको एंजॉय करते हैं। एक दादा हमारे के भालू को नहलाने के लिए कोशिश जारी है, देखते हैं भालू को नहला पाते कि नहीं नहला पाते हैं। और ये भालू जो हमारा है काला कलर का, ये देखो ये गजब, देख वापस आ गए। और दादा की काम कोशिश नाकाम होती हुई दिखती आ रही है। भालू आजा, भालू आजा, आजा। भालू जो है कि और सबसे साथ रहे, ये देखो ये देखो। तो अभी देख रहे होंगे कि यार हमारी जो अभी जो बीच खुल चुके हैं, तो बीच के कुछ मतलब हल्की सी चहलकदमी होने लगी है, और हल्के हल्के से क्या मतलब, अब मतलब आने ही लग गए लगभग। और बीच में जो अभी यहाँ तक पानी था सुनसान था, अब बीच पूरा भर चुका है। और आप देख रहे होंगे देखो सैंडबैड वगैरह सब लग चुके हैं, बहुत से लोगों ने देखो सामने अपने डाइनिंग टेबल भी बीच पे लग चुके हैं। तो कोई भी अगर रात को कैंडल लाइट डिनर वगैरह अगर करना चाहता हो, बीच का मज़ा लेना चाहता हो, तो उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध है। और अब आप भी आ सकते हो, विजिट कर सकते हो और खूब इंजॉय कर सकते हो। और क्या ही बोलना फिर, और गोवा के बारे में आपको
सबको पता ही है गोवा क्या चीज़ है, ठीक है। तो गाइज कुछ इस तरह का माहौल बन चुका है गोवा में अब, और मौसम खुल चुका है और चारों तरफ धूप है, कड़कती धड़कती धूप है और सामने समंदर है, और आप समंदर का मज़ा लेके आराम से सनबेड में सो सकते हैं और मज़े ले सकते हैं इस गोवा का। और ये देखो एक लड़की कुत्ते से कैसे खिला रही है, और ना लोगों को ज़्यादा जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार होता है, तो वो लोग जानवरों को ज़्यादा ही केयरिंग करते हैं। और कुछ इस तरह से सनबेड लगे हुए हैं मस्त करके, आप यहाँ पर आराम फरमा सकते हैं, मतलब खूब इंजॉय कर सकते हैं। और अभी हमारा हो गया आप वापस रूम जाने का टाइम, बट कभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे शाम को जब सनसेट होता है ना, तो उस टाइम का जो व्यू होता है भाई साहब गजब का व्यू होता है, तो गजब होता है शाम के टाइम पे यहाँ पे, और बहुत अच्छा है। और आप आइए ज़रूर गोवा में, और अगर आप वीडियो में नए हैं लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।